खबर यूपी के सुंदरपुर जिले से है, जहां पर जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के सेमरी बाजार कस्बे में बीते 4 दिन पूर्व किराना व्यवसायी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई थी। मौत की सूचना पर इसौली विधानसभा के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू मृतक के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया और आगे हर संभव मदद का भरोसा दिया। पूर्वांचल के माने जाने नेता सोनू सिंह का यह पहला वाक्या नहीं है जब पूर्व विधायक ने मृतक व्यापारी के घर पहुंचकर सांत्वना दी हो। पूरा मामला जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के सेमरी बाजार सुबेरुपुर सकड़िया गांव का है, जहां किराना व्यवसायी गया प्रसाद वर्ष पुत्र रामदास बीते मंगलवार की देर शाम जिला मुख्यालय से दुकान का सामान खरीद कर उसे पिकअप पर लाद दिए और स्वयं बाइक से घर की तरफ आ रहे थे। जैसे ही वह गोसाईगंज थाना क्षेत्र के रायबरेली टांडा हाईवे पर भटमई चौराहे के आगे निहाए गांव के पास पहुंचे ही थे कि इसी बीच विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित अज्ञात डीसीएम वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी चपेट में आकर गया प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। परिजनों उन्हें इलाज के लिए सुल्तानपुर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। किराना व्यवसायी की सड़क हादसे में हुई मौत की सूचना पर शनिवार की शाम इसौली विधानसभा के पूर्व विधायक सोनू सिंह मृतक परिजनों के घर पहुंचकर शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया और आगे हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं कुछ दिनों पहले पूर्व विधायक सोनू सिंह ने सोशल मीडिया पर इलाज के लिए मदद हेतु मार्मिक सुनकर गुप्तारगंज बाजार पहुंचकर कैंसर से जूझ रही एक मासूम बच्चे की मां गीता देवी को मदद हेतु 50,000 रुपए की धनराशि पीड़िता के पति राकेश चौरसिया को भी दिया था। दस्तक भारत के लिए सुल्तानपुर से दुर्गा प्रसाद की खास रिपोर्ट।